फ्रेंड्स माई सेल्फ सुशांत सजेस्टे एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इज ऑसम. दिस इज़ अ प्लॉट. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन प्लीज सब्सक्राइब एंड इंस्पायर मी. एंड दिस प्लॉट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50x60 फीट प्लॉट. दिस इज़ अ 50x60 लेंथ इज लेंथ फ्रॉम दैट एंड टू दैट एंड इट इज 60 फीट एंड फ्रॉम दिस एंड टू दैन दैट इज द 50 फीट. सो ये वीडियो में मैं आपको अर्लियर वीडियो में मैं 18 इंच बाय 18 इंच का कॉलम के बारे में कंप्लीट डिटेल बताया था, और इस वीडियो में 21 बाय 9 इंच का डिटेल बताने जा रहा हूँ जो आप देख सकते हैं वहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक कॉलम का पूरा कंप्लीट रॉड्स फुटिंग साइज़ और कितना डीप पे यूज़ करे सो है, कितना एमएम का बेड यूज़ करे सो, वो बताने से पहले मैं आपको प्लान बताना चाहता हूँ जो मैंने ड्रॉ करा. ये प्लान में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है 21 इंच इंटू 9 इंच उसके अंदर जो है 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 जो है 16mm का बार यूज़ करे सो जे एस डब्ल्यू 500 स्टील यूज बिन यूज. एंड हियर ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है 12mm का बार यूज़ करे सो जे एस डब्ल्यू का. और समथिंग न्यू देख सकते हैं आप, स्टिरप्स जो है कंपलसरी रहेगा. ये स्टिरप्स फॉर दिस सिक्स बार्स स्टिरप्स यूज़ करे सो है, बाकी का जो है इसको हुक यूज़ करे सो है स्टिरप्स. सो डबल स्टिरप डबल सो एंड फॉर दिस हुक, एंड हुक इज अल्टरनेटिवली, इट्स नॉट वन अबो द अदर, 1+0+1 लाइक दैट, इन दैट वे अल्टरनेटिवली हैज बीन यूज. सो माई और जो 21 इंच का कॉलम है उसके लिए जो है डिगिंग करे सो है 6x6.5 का डिग करे सो है, खोदे सो है. बाद में जो है उसको जो फुटिंग दिया गया सो है, वो फुटिंग जो दिए सो है 5x5 का कंक्रीट बेड यूज़ करे सो है, नॉट इट कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट. एंड कंक्रीट बेड जो यूज़ करे सो है 6 इंच का मोटाई में, और पूरा टोटल विड्थ जो है 3 फीट में है, यानी कि गहराई में जो कॉन्क्रीट है ना स्क्वायर को 3 फीट पर यूज़ करे सो है. मैं आपको अब प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ इसके बारे में. तो दोस्तों मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, इसका मैं कंप्लीट मेजरमेंट आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में. चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा फ्रंट आए तो आपको डिटेल मिल जाएगा. थोड़ा फ्रंट आइए, ये जो है 21 इंच का है, तो कंप्लीट ये जो होगा 21 इंच का, और बाकी का ये जो है 9 इंच का रहेगा. सो 9 इंच के अंदर हम क्या करते हैं बोले तो वन टू थ्री एंड फोर. सो 4 नंबर ऑफ बार्स हैज बीन यूज्ड ऑफ 16mm बार्स यूज करे सो है, बाकी का जो है 1, 2, 3+3 ये जो 3 है 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 6 टोटल 6 बार जो है 12mm का यूज़ करे सो है जे एस डब्ल्यू टी स्टील 500 FE वो जो यूज़ करे सो है. बाद में जो है आप समथिंग एक अलग देख सकते हैं इसके अंदर जो स्टिरप्स का साइज़ और कंप्लीट आपको दिखाना चाहता हूँ. ये जो 6 कॉलम्स है 4 कॉलम जो है 16mm का यूज़ करे सो है, बाकी का जो है 3 कॉलम्स 1, 2, 3 ये जो है 12mm का यूज़ करे सो, और इसके अंदर स्टिरप जो है 28mm का स्टिरप यूज़ करे सो है. समथिंग यू कैन सी डिफरेंट इज़ दैट जो हुक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हुक, सो दिस वन इज़ द हुक फॉर सपोर्टिंग फॉर दिस 2 कॉलम्स मिडल कॉलम्स, उसके लिए सिर्फ एक हुक है, यानी कि इधर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हुक नहीं है, यहाँ पे भी हुक नहीं है, और फिर इधर एक देख सकते हैं. सो यानी कि अल्टरनेटिवली आफ्टर टू यू कैन यूज़ वन आफ्टर द 101 इन दैट वे ऑल्सो यू कैन यूज़. एंड कंपलसरी ये जो स्टिरप्स दिए गए हर एक कॉलम को आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे, इन दिस वे हैज़ बीन यूज्ड. एंड कवरिंग जो दिया गया है और जो स्पेसिंग जो दिया गया है 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया गया है, बाकी का जो है टोटली कंप्लीट कैलकुलेट करे सो है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस एंड टू दैट वन एंड इट इज़ द 8 इंच डिस्टेंस पे दिया गया सो है, और सेम वैसे ये 6 इंच और ये भी सेम रहेगा, 6 इंच ही रहेगा वो भी. एंड द कवरिंग हैज़ बीन गिवन, करीब 2 इंच भी दे सकते हैं इसमें फ़िलहाल, तो आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इन बिटवीन. सो सेम इन 21 इंच साइड 2 इंच गिवन, एट दिस साइड जो है 9 इंच साइड जो है 4 सेंटीमीटर का दिया गया है सर. और बाकी का जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है, सो 6 इंच का बेड दिया गया है डीप में,
और डीप जो है 3 फीट का फुल कंक्रीट बेड, उसका साइज है 5 इंटू 5 स्क्वायर स्क्वायर जो दिया गया है, और बाकी का जो है कॉलम, सो 21 इंटू 9 इंच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर एवरी वन।